हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और अभी दोस्तों मैं जा रहा हूं लखनपुर। जी हां, अगर आप पठानकोट से हो, पठानकोट के आसपास से हो, तो आपको पता लग ही जाएगा कि लखनपुर जाने का एक ही कारण हो सकता है, दिन में, शाम को भी जाते हैं, पर अभी मैं जा रहा हूँ भल्ले के लिए, भल्ले खाने के लिए। तो दोस्तों लखनपुर जो है वो जम्मू में आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आता है और पठानकोट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग लखनपुर। और यहाँ के भल्ले, यानी कि आप कह सकते हो कि लखनपुर फेमस ही भल्लों के लिए है। यहाँ के दाल भल्ले, वड़े एंड ब्रेड पकौड़ा, तो ये सब बहुत ही फेमस हैं, लोग स्पेशल जाते हैं। जैसे आज मैं जा रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए, स्पेशली अपने पेट के लिए लखनपुर। जीभ का भी स्वाद होता है यार, जीभ भी कभी कभी तंग करती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। अभी मैं आपको ले चलता हूँ लखनपुर। दोस्तों ये बैरियर क्रॉस कर रहे हैं अभी हम, और पठानकोट से जब आप जम्मू की तरफ जाते हो तो छोटा सा कस्बा आता है सुजानपुर, उसके बाद जम्मू की तरफ हमें ये बैरियर आता है और इस समय हम हैं रावी नदी के ऊपर। करते हैं तो सबसे पहले आता है ये टोल बैरियर, टोल प्लाजा। चाहे आप भल्ले खाने जा रहे हो, तो चाहे आप भाई घूमने जा रहे हो, इसका तो सामना करना पड़ेगा, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों टोल प्लाजा क्रॉस करते ही 100 मीटर की दूरी पे महज आपको ये मार्केट दिखाई देगी, और जितनी आप ट्रैफिक देख रहे हो, जितनी ये गाड़ियाँ लगी हैं, ये भी लोग भल्ले के लिए ही यहाँ पे रुके हुए हैं। तो बहुत फेमस यहाँ के भल्ले हैं, दाल भल्ले बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये है भल्ला शॉप्स, और हर जगह आपको भल्ले ही देखने को मिलेंगे, और बहुत भीड़ है यहाँ पे, दोपहर का टाइम है। और जिसके पास मैं भल्ले खाता हूँ, जो मेरा पेट शॉप जिसे हम कहें, वो थोड़ी सी आगे है। दोस्तों ये है रोहित चाट हाउस, और ये भाई साहब हमारे भल्ले वाले, ठीक है। दोस्तों मैंने मंगाए अभी सूखे भल्ले और गीले भल्ले, तो क्रिस्पी भल्ले हैं भाई ये। भल्ले इज़ गुड, क्रिस्पी हैं, चटनी बड़ी अच्छी है। सबसे जो मेन चीज़ है ना दोस्तों, चटनी। दोस्तों ये चटनी में रेडिश डालते हैं, जो कि बहुत अच्छी है चटनी में इनकी, आप देख सकते हो दो रंग की चटनी है इनकी, रेड ग्रीन, और ये मीठी वाली, और ये है स्पाइसी, साथ में रेडिश और भल्ले। रोहित भाई ठीक है? लो जी, इसके बाद रोहित भैया खुद ही मुझे भले देने आ गए, और इन्होंने चैनल के बारे में पूछा और कुछ थोड़ी बहुत बातें की मेरे से, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप भी आए तो इनसे मिलिएगा, आपको भी काफी अच्छा लगेगा। ना 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 ना, इधर फड़ो। 3 खा ली हैं, 4-5 प्लेटा हो गई हैं। ओके दोस्तों, टोटल 5 प्लेटों के इन्होंने लिए हैं 100 रुपया, और ये सच में 20 रुपीस पर प्लेट देते हैं, जिसके 7 भल्ले देते हैं, और भल्ले गर्म और बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं। और मैंने अपने मदर के लिए 2 प्लेटें मैंने पैक करवा ली हैं भल्लों की, तो लेट्स इन्जॉय द भल्लास।
भले खाने के बाद अब मेरा समय हो चुका है आइसक्रीम खाने का, और आइसक्रीम लेते हैं हम भैया से। भैया वनीला कॉर्नेटो देना, वनीला कॉर्नेटो एक। कितने हुए? ठीक है दोस्तों, भर पेट भल्ले खाने के बाद अब समय हो चुका है आइसक्रीम को एंजॉय करने का। और तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।